हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, एमएस धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता, क्योंकि सब जानते हैं वो रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट कैप्टन। लेकिन गाइस, अब WWE ने ऐसा कुछ हिंट दिया है कि वो आ सकते हैं इस साल के रॉयल रंबल मैच में और वो कर सकते हैं अपनी धमाकेदार एंट्री। सो गाइस, वो कैसे, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको 3 शॉकिंग चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं इस रॉयल रंबल 2019 के पे पर व्यू में। तो पहली शॉकिंग चीज है कि फिन बैलर जीत जाए यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो गाइस, मैं जानता हूँ कि फिन बैलर का यूनिवर्सल चैंपियन बनना शॉकिंग नहीं है, बट हम सब जानते हैं कि फिन बैलर ने अपने नॉर्मल रूप में ज्यादा बड़े बड़े विक्ट्रीज लाइक चैंपियनशिप ये सब नहीं जीती है। और गाइस, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिन बैलर डीमन किंग के रूप में अगर आते हैं तो वो हरा सकते हैं ब्रॉक लेसनर को। लेकिन गाइस, अगर फिन बैलर अपने नॉर्मल रूप में आकर हरा देते हैं ब्रॉक लेसनर को तो ये चीज भी सभी के लिए काफी शॉकिंग होने वाली है। इसलिए गाइस, अब देखना होगा कि क्या फिन बैलर अपने नॉर्मल रूप में हरा पाते हैं ब्रॉक लेसनर को या फिर नहीं। इसके बाद गाइस, दूसरी चीज ये है कि जॉन सीना जीत जाए रॉयल रंबल मैच। हम सब जानते हैं कि WWE ने ये हमें बताया है कि जॉन सीना के एंकल में हो चुकी है इंजरी, जिसके वजह से वो हमें इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को नहीं मिले। इसके अलावा वो हमें रॉयल रंबल में भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए गाइस, अगर जॉन सीना अचानक से अपना रॉयल रंबल मैच में शॉकिंग एंट्री करने के साथ साथ उस मैच को जीत जाते हैं तो ये चीज भी काफी शॉकिंग होने वाली है। इसके बाद तीसरी और लास्ट शॉकिंग चीज जो है वो है कि ब्रॉक लेसनर हरा दे डीमन किंग को। सो गाइस, हम सब जानते हैं कि फिन बैलर को अपने डीमन किंग वाले रूप में जो हार झेलना पड़ा था वो था NXT में, लेकिन वो हमें कभी भी WWE में डीमन किंग वाले रूप में हारते हुए नहीं दिखे हैं। और गाइस, हम सब ये भी जानते हैं कि जब से फिन बैलर ने WWE में डेब्यू किया है इसके बाद से WWE फिन बैलर के डीमन किंग वाले रूप को हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाती है। इसलिए गाइस, अगर ब्रॉक लेसनर हरा देते हैं फिन बैलर के डीमन किंग वाले रूप को तो ये चीज भी ज्यादा नहीं लेकिन शॉकिंग होने वाली है। सो गाइस, यही थे वो 3 शॉकिंग चीजें जो कि हमें रॉयल रंबल के पेपर व्यू में होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन गाइस, बस 3 ही नहीं और भी बहुत सारे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रॉयल रंबल जाना ही जाता है शॉकिंग चीजों के लिए। इसलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी है कि क्या MS धोनी आने वाले हैं रॉयल रंबल में। सो गाइस, ये बात आप भी जानते हैं कि MS धोनी है एक बेहतरीन क्रिकेटर, लेकिन वो कभी भी WWE में आकर रेसलिंग नहीं करने वाले। लेकिन गाइस, फिर भी WWE ने अपने इंडियन फैंस से ट्वीट करते हुए पूछा कि अगर म्यूजिक बजे और MS धोनी की रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्री हो तो क्या आप इस मंडे को होने वाले रॉयल रंबल में माही को देखना चाहते हैं? और ऑप्शंस भी काफी इंटरेस्टिंग है, यस 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 या फिर अ लॉट मोर यस। अब किसी को नहीं पता कि WWE ने अपने इंडियन फैन से ये सवाल क्यों पूछा। खैर, अगर किसी तरह से MS धोनी रेसल करने नहीं बल्कि कॉमेंट्री करने भी आ गए हम सब काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे, इसलिए ये होना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप MS धोनी को देखना चाहते हैं रॉयल रंबल के पेपर व्यू में या फिर नहीं। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।